हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। ये तो हम सब जानते ही हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं वोटिंग के द्वारा। हाल ही में हमने 2019 इलेक्शन में मोदी सरकार को चुना है। दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ इन जनरल दो प्रकार की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। पहली है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बात तो तय है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट वोटिंग के द्वारा चूज़ की जाती है, लेकिन हम ये कैसे समझें कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल? ये समझने के लिए हमें उस गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच के रिलेशन को समझना होगा। एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, विच इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, और लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग बॉडी, या कहें कि वो संस्था जो लॉज बनाती है या पुरानी लॉज को अमेंड करती है। सभी इलेक्टेड मेंबर्स यहीं बैठते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट तभी तक सरकार में रह सकती है जब तक पार्लियामेंट को उन पर और उनकी पॉलिसीज पर पूरा कॉन्फिडेंस है। अगर पार्लियामेंट के सदस्यों का सरकार से विश्वास उठ गया तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार गिरा सकते हैं। ऐसी सरकार को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा सकता है। अब देखते हैं नॉन रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमें अमेरिका में देखने को मिलती है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, मतलब यहाँ पर कोई नो कॉन्फिडेंस वाला चक्कर नहीं है। एक बार यहाँ प्रेसिडेंट बने मतलब अब 5 साल सरकार चलेगी ही चलेगी, चाहे आपको प्रेसिडेंट पसंद हो या नहीं, पॉलिसी से आप खुश हो या नहीं। हालांकि यहाँ पर भी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, लेकिन आपको पता है कि इम्पीचमेंट बहुत ही एक्सट्रीम और सीरियस केसेस में किया जा सकता है, किसी पॉलिसी के लिए नहीं। तो एक डेमोक्रेसी में नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को कहा जाएगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट और सेंटर दोनों के लिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना है। आर्टिकल 74 और 75 हमें सेंटर के पार्लियामेंट्री फॉर्म की डिटेल्स देते हैं, जबकि आर्टिकल 163 और 164 से हमें स्टेट के पार्लियामेंट्री सिस्टम की डिटेल्स मिलती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसी अमेरिका में है, वहाँ तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक ही है, सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास ही होती हैं। लेकिन इंडिया में जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रोल के डिफरेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट बेसिकली हेड ऑफ नेशन होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। और इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी सरकार का काम है देश चलाने के लिए प्रेसिडेंट के काम काज में मदद करें। अब ये देखते हैं कि सरकार प्रेसिडेंट की मदद करती कैसे है। तो होता क्या है कि सरकार को देश के लोगों ने चुना है और ये लोग देश की समस्याओं को समझते हैं, इसीलिए ये देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं। और जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट उस बिल को लॉ बनाना है या नहीं उसकी मंजूरी देते हैं। इस प्रोसेस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट का काम है देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए लॉज बनाना, जिसके लिए वो सरकार की मदद लेते हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि सरकार बनती कैसे है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली पार्लियामेंट होता क्या है। पार्लियामेंट की जो ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसके अंदर दो सेमी सर्कुलर हॉल हैं, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, और साल 1954 में इन्हें हिंदी नाम दिए गए राज्यसभा और लोकसभा। इसके अलावा राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा और प्रेसिडेंट। बेसिकली पार्लियामेंट का काम है लॉज बनाना, और किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए उसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों के पास से पास होना होता है, इसीलिए इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनता है। एक बात और, प्रेसिडेंट इनमें से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट में बैठकर कोई मीटिंग अटेंड करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट का काम सिर्फ बिल पर सिग्नेचर करके उसे लॉ बनाना नहीं है, वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन करते हैं, जिन्हें हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं लोकसभा की। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं। इनमें से 530 मेंबर तो डिफरेंट स्टेट से चुनकर आते हैं, जबकि 20 मेंबर यूनियन टेरिटरीज से चुनके आते हैं, और बाकी के बचे 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, जो प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन से लोकसभा के मेंबर बनते हैं। लेकिन ये तो थी मैक्सिमम लिमिट,
एक्चुअल में करंट प्रोविजन के हिसाब से लोकसभा में आज की डेट में सिर्फ 545 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 530 मेंबर्स स्टेट से चुनकर आते हैं और 13 यूनियन टेरिटरीज से, और 2 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स स्टेट या यूनियन टेरिटरीज से चुन के आते हैं, इसीलिए पूरे देश को 543 सीट्स में डिवाइड किया गया है। हर स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स एलोकेट की गई हैं। सीट्स का ये डिवीज़न कुछ इस तरह से किया गया है कि अगर हम किसी भी स्टेट की सीट्स को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो ये रेशियो सभी स्टेट्स के लिए बराबर होगा। यहाँ पर हम पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ वोट करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हर किसी को काउंट कर रहे हैं, यानी इंडिया की कंप्लीट पॉपुलेशन, इंक्लूडिंग 2 दिन पहले पैदा हुए बच्चे को भी। इसके अलावा किसी भी स्टेट में जितने परसेंट पॉपुलेशन SC और ST की है, उतनी परसेंट सीट्स SC और ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की जाती हैं। यहाँ पे 2 बातों पर गौर करना ज़रूरी है। इन रिजर्व सीट्स पर सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स ही खड़े हो सकते हैं, लेकिन वोटिंग उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड हर एक वोटर करेगा, कोई स्पेसिफिक जाति नहीं। दूसरी बात ये कि रिजर्व सीट्स के अलावा जो दूसरी सीट्स हैं उन पर भी अगर SC ST कैंडिडेट्स खड़े होना चाहते हैं और उनकी पार्टी उनको अलाउ करती है तो वो वहाँ पर भी खड़े हो सकते हैं। और हाँ, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट या तो किसी पार्टी के हो सकते हैं या फिर निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे कैंडिडेट निर्दलीय हो या किसी भी दल का, सब अपने प्रचार अलग अलग तरीके से करते ही हैं। कोई रोड शो करता है, तो कोई अपना टैलेंट दिखाता है, तो कोई जनता से वादे करता है। चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टीज के बीच लड़ाई झगड़े भी आम बात है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन पुलिस ऑब्जर्वर्स नियुक्त करते हैं। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा रोल है, इसको हम एक दूसरी वीडियो में डिटेल में कवर कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ के एडवर्टाइजमेंट TV पे भर भर के आते हैं और न्यूज़ चैनल पर डिबेट्स और ज़्यादा हीटेड हो जाती हैं। और फिर आता है काउंटिंग डे, जब इलेक्शन कमीशन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले ये डिक्लेयर करता है। सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता हुआ माना जाता है और लोकसभा में अपनी पार्टी और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि लोकसभा में टोटल 545 सीट्स हैं, तो जो भी पार्टी 50% या उससे ज़्यादा सीट्स पाती है वो सरकार बनाती है। सरकार बनाने के लिए ये पार्टी अपना नेता चुनती है जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, और ये प्राइम मिनिस्टर जीते हुए नेताओं में से अपने लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स चुनता है, और फिर ओथ सेरेमनी के बाद सरकार का काम और कार्यभार संभालते हैं। अगर कोई एक पार्टी 50% सीट्स नहीं जीत पाती है तो मल्टीपल पार्टीज़ एक साथ मिलकर इस नंबर को अचीव करने की कोशिश करती हैं और फिर अपना नेता चुनती हैं और एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बुक्सतवा चैनल पर हिस्ट्री और पॉलिटी के एनिमेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्सतवा।